हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ कॉन्कॉर्ड के बारे में। शंकुवज का केंद्र क्या है, किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो शंकुवज का केंद्र क्या है, कोई ऐसा बिंदु जिससे होकर जाने वाली शंकुवज की सारी जीवाएं, सारी कॉर्ड्स उसके द्वारा समद्विभाजित हो, यानी उस बिंदु पर समद्विभाजित होती है, वो क्या कहलाता है, कॉन्कॉर्ड का, शंकुवज का सेंटर या केंद्र कहलाता है। मान लीजिए कि जनरल इक्वेशन है अपने पास कॉन्कॉर्ड की, कैपिटल एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस का डी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हमने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लेते हैं कि इस कॉन्कॉर्ड का, जो कि जनरल इक्वेशन है, इसका सेंटर क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो अब हम लोग एक डिटरमिनेंट चूज करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की ताकि हमें सेंटर पता लगे। तो अल्फा बीटा गामा सेंटर जो है उसका, जब हम लोकस लिखते हैं तो एक्स वाई जेड ही आता है, तो हम लोग लोकस के रूप में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, जो कि सेंटर अल्फा बीटा गामा ही कहलाएगा। माइनस वन अपॉन डी, डी क्या है, कैपिटल डी डिटरमिनेंट है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट सारणिक है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने पिछले टॉपिक में निकाली थी। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी। तो ये कैपिटल ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी, यहाँ इसके साथ में एक दूसरा हम लोगों के पास डिटर्मिनेंट है, ये कैपिटल ए एच जी बी सी, ये सब क्या हैं, एच, ये स्मॉल ए बी सी एफ जी एच के कोफैक्टर्स हैं, सेकंड है, और स्मॉल यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू हमारे पास, यहाँ यू क्या होगा, टू एक्स का कोएफिशिएंट, वी क्या होगा, टू वाई का कोएफिशिएंट, डब्ल्यू क्या होगा, टू जेड का कोएफिशिएंट। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर टू। अब अलग अलग कंडीशन चेक करते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर एक, जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कैपिटल डी नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में इक्वेशन नंबर टू का जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा और हमें फाइनाइट डिस्टेंस पे एक सेंटर प्राप्त होता है, केंद्र मिलेगा। तो फिर कॉन्कॉर्ड कौन कौन से हो सकते हैं स्थिति नंबर एक में, जब डी की वैल्यू जीरो नहीं है, तब कॉन्कॉर्ड हो सकते हैं शकेंद्रीय शंकुवज होंगे, और वो होंगे दीर्घवृत्तज हो सकता है, इलिप्सॉइड, स्फीयर गोला हो सकता है, शंकु हो सकता है, या हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट या टू शीट हो सकते हैं। तो देखिए कितने कॉन्कॉर्ड हो गए, एक इलिप्सॉइड हो गया, वन दीर्घवृत्तज, स्फीयर गोला, कोन शंकु या हाइपरबोलॉइड ऑफ अति परवलय, इसमें दोनों आ गए, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट और टू शीट। तो जब डी नॉट इक्वल टू जीरो तो हम लोगों को सेंटर मिलता है फाइनाइट डिस्टेंस पे, और कॉन्कॉर्ड इस टाइप के हो सकते हैं, इनमें से एक कॉन्कॉर्ड आएगा। कंडीशन नंबर टू, वन डी इक्वल टू जीरो बट ए यू एच वी प्लस जी डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, साथ में एच यू प्लस बी वी प्लस एफ डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और जी यू प्लस एफ ई प्लस सी डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से आया, ये जो अभी हम लोग अल्फा बीटा गामा ऊपर के अंदर देख रहे थे, इक्वेशन नंबर टू से निकाला हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले पेज पे इक्वेशन नंबर जो टू थी उसमें देखिए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा यू वी डब्ल्यू से, तो क्या बनेगा, ए यू प्लस एच वी प्लस जी डब्ल्यू, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसी तरह एच यू प्लस बी वी प्लस एफ डब्ल्यू, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और जी एफ जी यू प्लस एफ ई प्लस सी डब्ल्यू, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जब ये तीनों नॉट इक्वल टू जीरो बट डी इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, ऐसी कंडीशन में जो केंद्र के निर्देशांक होंगे वो अनंत होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्कॉर्ड का जो सेंटर होगा अनंत दूरी पर होगा, यानी अनंत दूरी पर होगा इसका मतलब सेंटर होगा ही नहीं, यानी जो कॉन्कॉर्ड होगा वो क्या होगा, केंद्र रहित होगा, केंद्र रहित होगा, सेंटर नहीं होगा उसका। मान लीजिए इसके, अब ये तो आ गया कि केंद्र रहित सेंटर होगा, पर कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड क्या होना चाहिए, कॉन्कॉर्ड होगा इसमें एक परवलयज होगा, एक परवलयज होगा। अब हम लोग चलते हैं स्थिति नंबर थर्ड में, कंडीशन नंबर थर्ड, व्हेन डी इक्वल टू जीरो, यहां पे क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो, ए यू प्लस एच यू प्लस जी डब्ल्यू, यहां क्या आया, इक्वल टू जीरो।
इस केस में कॉनकॉइड की जो केंद्र रेखा होगी वो परिमित दूरी पर होगी, परिमित दूरी पर एक शंखवज की एक सेंट्रल लाइन आएगी, केंद्रीय रेखा होगी और वो फाइनाइट डिस्टेंस पर मिलेगी। तो इसमें कॉनकॉइड क्या क्या हो सकते हैं? इसमें कॉनकॉइड हो सकते हैं दीर्घवृत्तीय या अति परवलयिक बेलन या प्रतिच्छेदी समतल युग्म हो सकते हैं। तीन कॉनकॉइड हो सकते हैं, दीर्घवृत्ती बेलन या अति परवलयिक बेलन या प्रतिच्छेदी समतल युग्म। अब हम नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं, कंडीशन नंबर 4, स्थिति नंबर 4। जब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी और कैपिटल एच सबका मान 0 है, ये सब क्या है? कोफैक्टर्स हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए का, कैपिटल बी स्मॉल बी का, कैपिटल सी स्मॉल सी का, कैपिटल एफ स्मॉल एफ का, कैपिटल जी स्मॉल जी का, कैपिटल एच स्मॉल एच का, ये सारे कोफैक्टर्स यदि 0 हैं इस स्थिति में डी इक्वल टू 0। बट साथ में अपने को और देखना है क्या एफ यू माइनस जी वी नॉट इक्वल टू 0 है या एफ यू माइनस एच डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों में से एक नॉट इक्वल टू 0 है, तब कॉनकॉइड का कोई भी सेंटर नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में जो अपने पास केंद्रीय समतल होंगे वो समांतर होंगे और कॉनकॉइड के रूप में हमें मिलेगा परवलयिक बेलन, परवलयिक बेलन होगा। नेक्स्ट स्थिति नंबर 5। तो कंडीशन 5 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैपिटल ए बी सी एफ जी एच ये सारे कोफैक्टर्स 0 है, बट यहाँ तो हमने देखा कि एफ यू माइनस जी वी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्या है एफ यू जी वी और एच डब्ल्यू तीनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इनका डिफरेंस 0 आएगा, तीनों इक्वल है इसका मतलब डिफरेंस 0 आएगा। जो यहाँ नॉट इक्वल टू 0 था स्थिति नंबर 4 में, यहाँ क्या हो गया? इक्वल टू 0 बन जाएगा, यानी इन तीनों की वैल्यूज बराबर आएंगी एफ यू जी वी और एच डब्ल्यू की। ऐसी कंडीशन में केंद्रीय समतल समरूप होंगे जिससे कॉनकॉइड का एक केंद्रीय समतल मिलेगा हमें, और ऐसी कंडीशन में वो दो समांतर समतलों को प्रदर्शित करेगा। कॉनकॉइड के रूप में क्या होगा? दो समांतर समतल होंगे। ये जो पांचों स्थितियां हैं ये हम लोगों को अलग अलग कॉनकॉइड के सेंटर्स के बारे में बता रही हैं। अब हम लोग इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कॉनकॉइड का केंद्र ज्ञात कीजिए, अपने को सेंटर निकालना है। इक्वेशन क्या है? 14x² प्लस 14y² प्लस 8z² माइनस 4yz माइनस 4zx माइनस 8xy प्लस 18x माइनस 18y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये देखिए, ये अपने पास कॉनकॉइड है, ये जनरल इक्वेशन है। अब हम लोग कंपेयर करें, ax² तो a की वैल्यू 14, by² तो b की वैल्यू भी 14, cz² c की वैल्यू 8, प्लस का 2fyz, 2yz का कोफिशियंट f होता है, तो 2yz का कोफिशियंट यहाँ क्या होगा? -2, प्लस 2zx, zx का कोफिशियंट होगा तो स्मॉल g, तो -2, प्लस 2hxy, 2xy का कोफिशियंट क्या है? -4, तो ये स्मॉल h की वैल्यू हो गई, प्लस 2ux, तो 2x का कोफिशियंट क्या होगा? 9, ये u की वैल्यू हो गई 9, प्लस 2vy, तो 2vy, तो 2y का कोफिशियंट क्या हो जाएगा? 4, ये हो गया v की वैल्यू 4। इसमें देखिए z है ही नहीं, z की कोई टर्म नहीं है हमारे पास इक्वेशन में, इसका मतलब w इक्वल टू 0, और जो कांस्टेंट है 5, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल d इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल d की वैल्यू निकालते हैं। अभी हम लोगों ने पांचों कंडीशन में चेक किया कि कंडीशन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th सब जगह सबसे पहले देखना है कि क्या d की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। यदि 0 नहीं आती है तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, स्थिति नंबर 1 यानी कंडीशन नंबर 1st को डिस्कस करना होता है। तो पहले कैपिटल डी की वैल्यू निकालें। कैपिटल डी में ए एच जी, एच बी एफ जी एफ सी, देखिए ए की वैल्यू 14, एच की वैल्यू है -4, जी की वैल्यू कितनी है? -2। इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट में सबकी वैल्यू रख दी, ए एच जी, एच बी एफ जी एफ सी, ये वैल्यूज अभी हम लोगों ने कंपेयर करके निकाली थी। ये वैल्यूज सारी हम लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना है, सारी वैल्यूज सही निकालनी है, क्योंकि सारे टर्म्स जो हैं वो क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई होंगी और यहाँ कैलकुलेशन में काम आएंगी, तो डी की वैल्यू चेंज हो सकती है। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये सारी वैल्यूज सारी हम लोगों को कंपेयर करके सही लिखें। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, तो देखिए 14, तो 14 इंटू 8 112 -4, फिर -4 हो जाएगा +4, तो वो हो जाएगा -32 और -4, -2 टाइम्स खोलें तो कितना बन जाएगा, -8 और प्लस का ही 28। इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, हमारे पास कितना आया, 1296।
1296. इसका मतलब क्या हुआ कि डी की वैल्यू जीरो नहीं है. जब वैल्यू आई हमारे पास इसका मतलब डी की वैल्यू जीरो नहीं है. और यदि जीरो नहीं है तो कंडीशन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें तो देखिए हमारे पास सेंटर एग्जिस्ट करेगा. सेंटर एग्जिस्ट करेगा तो सेंटर निकालने के लिए क्या करें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो और डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो. देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये कैपिटल एफ था तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा 28x ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4z, देखिए माइनस 4z, माइनस का 8y, देखिए माइनस 8y और यहाँ क्या होगा प्लस का 18 को हमने दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया. हमेशा ध्यान रखना है डिफरेंशिएट करने के बाद सबसे पहली टर्म x की, फिर y की, फिर z की, क्योंकि हम लोग इक्वेशंस बना के इन्हें सॉल्व करेंगे. इसलिए सारी टर्म्स जो हैं हम लोगों को इसी फॉर्म में लिखनी है. पहले टर्म x की आएगी डिफरेंशिएशन की, फिर y की और फिर z की. नेक्स्ट है डेल एफ अपॉन डेल y, तो देखिए ये जीरो हो जाएगा 28y, ये देखिए 28y, फिर अपने पास ये जीरो हो जाएगा माइनस का 4z, देखिए माइनस 4z, ये जीरो हो जाएगा, इसको देखें माइनस 8x, देखिए x के नीचे x, y के नीचे y और z के नीचे z, माइनस का 18 दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे यहाँ क्या आना चाहिए, अच्छा ये प्लस का 8 है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 दूसरी साइड जाके ट्रांसफर होके माइनस 8 हो गया. अब ये अपने पास बन गया माइनस 8. डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो. डेल एफ अपॉन डेल जेड देखिए ये जीरो देगा, ये जीरो देगा, कितना देगा 16z, डिफरेंशिएट करते हो जेड के नीचे जेड 16z, फिर देखिए माइनस का 4y, तो ये वाई के नीचे वाई माइनस का 4y, माइनस का 4x, तो ये माइनस का 4x, यहाँ जेड की कोई टर्म नहीं है तो अपने पास यहाँ दूसरी साइड क्या कर देंगे जीरो. अब ये जो तीनों इक्वेशंस आई है इन्हें हम लोगों को सॉल्व करना है. देखिए इस इक्वेशन में देखिए यहाँ फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को देखिए 28x 8y माइनस 4z और माइनस 18, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्या बन जाएगा 14x माइनस 4y माइनस 2z और इक्वल टू माइनस 9. इसी तरह इस वाले टर्म में हमारे पास फिर कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 4x माइनस 14y प्लस का 2z और प्लस का 4. अब यहाँ चेक करें यहाँ 4 कॉमन आ रहा है और माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू जीरो. अब आपके पास ये तीन इक्वेशन आ गई हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और तीन वेरिएबल्स हैं x, y और z, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे. पहले एक को इलिमिनेट करना होगा आप लोगों को, चाहे आप x करें चाहे y करें चाहे z करें, एक को इलिमिनेट करेंगे तो जो रिमेनिंग होगी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगी. जब साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाएगी तो जो दो वेरिएबल उनको सॉल्व करके सॉल्व वैल्यू निकालेंगे और फिर उस इक्वेशन में रख के किसी भी तीनों में से किसी में रख के थर्ड की वैल्यू निकालेंगे. ये हम लोग छोटी क्लासेस में सीख के आए इक्वेशंस को सॉल्व करना. तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है x इक्वल टू माइनस हाफ, y इक्वल टू हाफ और z इक्वल टू जीरो. तो ये क्या बन गया अपने पास, ये सेंटर हो गया. तो जो कॉन्कॉइड है उसका सेंटर क्या आ गया, माइनस हाफ, हाफ और जीरो. तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने कंडीशन नंबर फर्स्ट के बारे में बात की. इसी तरह के क्वेश्चन और आप सॉल्व करके अलग अलग कंडीशंस चेक कर सकते हैं.